हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। सभी शिव भक्तों को श्रावण मास की बहुत बहुत बधाई। भक्तजनों, वेद पुराणों में श्रावण मास का अति महत्व बताया गया है। इस माह में शिव पूजन करने से मनुष्य के समस्त कार्य पूर्ण हो जाते हैं। भक्तजनों, श्रावण मास में शिव भक्त कांवड़िए अपने कांधों पर कांवड़ उठाकर उसमें पवित्र जल भरकर गंगोत्री, गोमुख और हरिद्वार से लाते हैं तथा शिवलिंग को स्नान कराते हैं। कांवड़ क्यों लाया जाता है, इसके बारे में अनेकानेक कथाएं प्रचलित हैं भक्तों। तो आइए आपको वेद पुराणों में वर्णित कांवड़ लाने की कुछ गाथाएं सुनाने जा रहा हूं। भगवान भोले शंकर के चरणों का ध्यान करते हुए आइए सुनते हैं कांवड़ लाने की ये गाथा। ओम नमः शिवाय। कांवड़ गाथा सुनो है बड़ी ही महान, शिव शंकर के चरणों का करके तुम ध्यान, शिव शंकर के चरणों का करके तुम ध्यान। कांवड़ लाते हैं क्यों, क्या है इसका विधान, कांवड़ लाते हैं क्यों, क्या है इसका विधान। इसके बारे में कहते क्या वेद और पुराण, बोलिए शंकर भगवान की जय हो। भक्तजनों, यूं तो वेद और पुराणों में कांवड़ लाने की अनेकानेक गाथाएं प्रचलित हैं, परंतु इनमें से कुछ बहुत ही प्रचलित और प्रामाणिक हैं। इन्हीं कथाओं में से कुछ कथाएं आपको सुनाने जा रहा हूं। पहली गाथा है समुद्र मंथन की। भक्तजनों, देवों और असुरों के मध्य अक्सर संग्राम छिड़ा रहता था। इस पर देवगुरु बृहस्पति और असुर गुरु शुक्राचार्य ने आपस में मिलकर विचार विमर्श किया कि क्यों न समुद्र मंथन किया जाए और उसमें से जो भी निकले वो देव और असुर आपस में बराबर बराबर बांट लें। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ भक्तों। वासुकी की नेति बनाई गई, मंद्राचल को मथनी कर लिया गया और भगवान श्री हरि विष्णु ने कूर्म अवतार धरकर मंद्राचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। मंथन प्रारंभ हुआ और प्रारंभ में ही भक्तों उसमें से हलाहल विष बाहर निकला। देव और असुर दोनों ही हलाहल विष को पाना नहीं चाहते थे। इस पर सब भगवान शिव की शरण में गए। भगवान शिव शंकर ने उस हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया और नीलकंठ नाम प्राप्त किया। परंतु भक्तों, भगवान भोलेनाथ इस विष की जलन से अत्यंत पीड़ित रहने लगे, इधर उधर तीनों लोकों में भटकने लगे। इस पर वैद्य धन्वंतरी ने बताया कि यदि सभी देवी देवता कांवड़ में गंगा जल भरकर भगवान शिव को निरंतर स्नान कराते रहेंगे तो इससे भगवान भोलेनाथ की विष की जलन कम हो पाएगी। तभी से भक्तों यह प्रथा प्रचलित हो गई कि भगवान भोलेनाथ पर कांवड़ में गंगा जल भरकर चढ़ाया जाता है। जो भक्त भगवान भोलेनाथ को खासकर श्रावण मास में कांवड़ में भरे गंगा जल से स्नान कराते हैं उनके जीवन के समस्त पाप नष्ट होते हैं और वो शिव की कृपा पाते हैं। विष के ताप को शिव शंभु से ना सके, तीनों लोकों में महादेव डोल
विष्णु जी की शरण आए सब देवता, वैद धनवंतरी कुछ तो दो रास्ता, वैद धनवंतरी करे इसका निदान, कांवड़ भर के कराओ भोले को स्नान। सुनो है बड़ी ही महान, बोले शंकर के चरणों का धर के तुम ध्यान, बोले शंकर के चरणों का धर के तुम भक्तजनों, भगवान भोलेनाथ पर कांवड़ चढ़ाने की दूसरी पावन कथा रामायण से है, जिसमें यह दर्शाया गया है कि किस तरह रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उन पर कांवड़ चढ़ाई। तो आइए सुनते हैं ये पवित्र पावन कथा। भक्तों, रावण ऋषि पुलिस्त और माता कैकसी का पुत्र था, तीनों लोकों में विजय प्राप्त करना चाहता था। रावण की माता कैकसी ने एक दिन उसे अपने कक्ष में बुलाया और समझाया कि यदि तुम तीनों लोकों में विजेता बनना चाहते हो, अजर अमर होना चाहते हो, तो भोले शंकर के चरणों में अलख जगाओ, जाओ और उन्हें कैलाश से लाकर यहाँ लंका में स्थापित कर दो। यदि एक बार भोले शंकर लंका में आकर स्थापित हो गए तो फिर तीनों लोकों में तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। अपनी माँ कैकसी की बात सुन रावण कैलाश में जाते हैं और भगवान भोले शंकर की अटल तपस्या करने लग जाते हैं। इतने पर भी जब भगवान भोले शंकर प्रसन्न नहीं होते तो रावण ने एक एक करके अपने 9 सिर भगवान भोले शंकर को समर्पित कर दी। जैसे ही 10वां सिर काटने लगा, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और रावण को दर्शन दिए, मन इच्छित वर मांगने के लिए कहा। रावण ने कहा, प्रभु, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो इसी समय एक पवित्र शिवलिंग के रूप में मेरे साथ लंका चलिए और वहां पर स्थापित हो जाइए। भगवान भोले शंकर तो देवाधिदेव हैं, भोलेनाथ हैं, तथास्तु कहकर वरदान दे दिया और अपना एक पवित्र ज्योतिर्लिंग रावण के हाथों में सौंप दिया। उसको कहा कि हे रावण, ये ज्योतिर्लिंग जाकर लंका में स्थापित करो, तुम अजर अमर अविनाशी हो जाओगे। परंतु याद रहे कि इस ज्योतिर्लिंग की पवित्रता कभी भी खंडित नहीं होनी चाहिए, यानी कि यहाँ से लंका नगरी तक तुम इस शिवलिंग को भूमि पर मत रख देना। एक बार ये जहाँ पर रख दिया जाएगा वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण शिव के चरणों में शीश नवाकर शिवलिंग को उठाकर लंका की ओर चलने लगा। इधर देवलोक में हाहाकार मच गया, सभी देवी देवता भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में आए, बोले, हे भगवान, यदि ये पवित्र शिवलिंग लंका में स्थापित हो गया तो फिर इस सृष्टि का विनाश तय है। ऐसे में भगवान श्री हरि विष्णु ने भगवान श्री गणेश को अपने पास बुलाया और इस शिवलिंग को कहीं और स्थापित करने की योजना बनाई। भगवान ने अपनी लीला दिखाई। भक्तों, रावण को चलते चलते लघु शंका होने लगी। रावण सहते सहते कुछ दूर तो चल पाया, परंतु अब उसके उदर में बहुत पीड़ा होने लगी। तभी वहां पर बालक गणेश एक साधारण बालक के रूप में आए। रावण ने कहा, हे बालक, ये शिवलिंग अपने हाथों में पकड़ो, मैं लघु शंका से निवृत्त होकर आता हूँ, परंतु ध्यान रहे, इस शिवलिंग को नीचे मत रख देना। यह कहकर बालक गणेश को शिवलिंग थमाया और रावण लघु शंका से निवृत्त होने चला गया।
माताओं की चाल में आई गया, लघु शंका का भय तो सताई गया। बालक बन के गणेश जी तब आए थे, रावण बालक को शिवलिंग थमा जाए थे। जो ही रावण गया करने शंका समाधान, शिवलिंग भूमि रखा प्रभु हुए अंतर ध्यान। शिवलिंग भूमि रखा प्रभु हुए अंतर ध्यान। हाँ कावड़ गाथा सुनो है बड़ी ही महान, बोले शंकर के चरणों का धर के तुम ध्यान। बोले शंकर के चरणों का धर के तुम ध्यान। श्री हरि विष्णु की आज्ञा अनुसार भगवान श्री गणेश ने वह ज्योतिर्लिंग वही भूमि पर रख दिया और अंतर ध्यान हो गए। रावण जब वापस आया तब उसे देवताओं की चाल समझ में आई, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रावण वहीं से पैदल चलकर गंगा तट पर गया, अपने हाथों से कावड़ बनाया, उसमें गंगा जल भरा और वापस उसी शिवलिंग पर आया। शिव स्तुति करते करते जब कावड़ से गंगा जल शिवलिंग पर चढ़ाया तो भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए। भगवान भोलेनाथ ने अत्यंत प्रसन्न होकर चंद्रहास, खड़ग और अनेकानेक शक्तियां रावण को प्रदान की। तभी से भक्तों यह पवित्र स्थान बैजनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। जो भी शिव भक्त श्रावण मास में बैजनाथ धाम पर पवित्र शिवलिंग पर कांवड़ में भरा गंगा जल चढ़ाता है वह मुंह मांगी मुरादे प्राप्त करता है। तो बड़े प्रेम और श्रद्धा से बोलिए बाबा बैजनाथ धाम की। जहाँ रावण ने भोले का नाम लिया, बैजनाथ का पावन वो धाम बना। यहाँ आते हर साल कांवड़िए सभी, शिव भोले को मिलके नहलाते सभी। बोल बम बम के हैं जय जयकारे तमाम, भोले शंकर कृपा करते हैं सुबह हो शाम। भोले शंकर कृपा करते हैं सुबह हो शाम। हो कांवड़ गाथा सुनो है बड़ी ही महान, भोले शंकर के चरणों का धर के तुम ध्यान। भोले शंकर के चरणों का धर के तुम बोलिए शंकर भगवान की जय हो। भक्तों, कांवड़ की तीसरी पावन पवित्र कथा है भगवान परशुराम की। क्या कारण था कि भगवान परशुराम को नंगे पांव पैदल चलकर गोमुख गंगोत्री से गंगा जल भरे पवित्र पावन कांवड़ अपने कांधों पे धरकर लानी पड़ी, और फिर भगवान शंकर ने उन्हें दर्शन देकर क्या क्या आशीर्वाद दिए। तो भक्तों, भगवान परशुराम जो श्री हरि विष्णु के छठे अवतार थे, ऋषि जमदाग्नि और माँ रेणुका की चौथी संतान थे। बालापन से ही परशुराम अत्यंत क्रोधी स्वभाव के थे, परंतु मात्र पितृ भक्त भी थे। एक दिवस ऋषि जमदाग्नि एक विशेष यज्ञ कर रहे थे, जिसमें पूजन हेतु गंगा जल लाने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी रेणुका को गंगा जल लाने के लिए भेजा। उसी समय गंगा जल में एक गंधर्व अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था। रेणुका उस दृश्य पर मोहित हो गई और उस दृश्य को देखते देखते न जाने कितना समय बीत गया, पता ही न चला। उधर ऋषि जमदाग्नि गंगा जल न मिलने से अत्यंत
क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने तीनों बड़े पुत्रों को अपनी माता को बुलाने भेजा। तीनों बड़े पुत्र अपनी माता को बुला कर लाए। रेणुका ने सारी बात सच सच अपने पति ऋषि जमदाग्नि को बता दी। ऋषि जमदाग्नि अपनी पत्नी द्वारा किए इस मानसिक व्याभिचार के दंड स्वरूप उसे मृत्यु दंड देने का निश्चय करते हैं। अपने तीनों बड़े पुत्रों से बोला, अपनी माँ का शीश धड़ से अलग कर दो। तीनों बड़े पुत्रों ने यह कार्य करने से मना कर दिया। अब जमदाग्नि ने यह आदेश परशुराम को दिया। परशुराम ये कार्य करना नहीं चाहते थे भक्तों, फिर भी पितृ आज्ञा पूर्ण करने हेतु उन्होंने अपने तीनों बड़े भाइयों और माता का वध कर दिया। तो आगे क्या हुआ, आइए सुनते हैं। तीनों भाइयों के माता संग प्राण हरे, पितृ आज्ञा से परशु ये काज करे। पश्चाताप की अग्नि में जलने लगे, आत्मग्लानी में पल पल वो गलने लगे। मन में ग्लानी लिए हो कर परेशान, देखो वन वन में भटक रहे परशुराम। भोले शंकर के चरणों का धर के तुम ध्यान। कांवड़ गाथा सुनो है बड़ी ही महान, भोले शंकर के चरणों का धर के तुम ध्यान। भोले शंकर के चरणों मन में आत्मग्लानी लिए परशुराम वन वन भटकने लगे। यहाँ तक कि उन्होंने अन्न जल भी ग्रहण करना त्याग दिया था। उनकी काया क्षीण होने लगी भक्तों, और उनकी शक्तियां भी समाप्त होने लगी। ऐसे में एक दिन देव ऋषि नारद उनके पास आए और बोले कि हे प्रभु, आप शायद भूल गए हैं कि आप श्री हरि विष्णु के अवतार हैं, और जिस हेतु आपका ये जन्म हुआ है वो कार्य होना अभी बाकी है। वन वन में भटकेंगे तो आपका कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। परशुराम जी ने अपने मन की पीड़ा देव ऋषि नारद को बताई और इससे छुटकारे का उपाय पूछा। तब देव ऋषि नारद ने उन्हें ये बताया कि मात्र और भ्रात हत्या के पश्चाताप हेतु उन्हें स्वयं अपने हाथों से कांवड़ सजाने होंगे। उन्हें अपने कांधे पर उठाकर नंगे पांव गंगोत्री तक जाना होगा और गौमुख से गंगा जल उन कांवड़ में भरकर यहां लाना होगा। फिर यहां पर एक शिवलिंग स्थापित करना होगा। तत्पश्चात अपने हाथों से एक शिवलिंग बनाकर शिव स्तुति करते हुए पवित्र कांवड़ से गंगा जल शिव जी पर चढ़ाना होगा। इसी से आपका पश्चाताप पूर्ण होगा। भगवान परशुराम ने ऐसा ही किया भक्तों। श्रावण के पवित्र माह में अपने हाथों से कांवड़ सजाए, अपने कांधों पर उठाए, नंगे पांव पैदल गोमुख गंगोत्री तक गए, वहां से गंगा जल भर कर लेकर आए, अपने हाथों से पवित्र शिवलिंग की स्थापना की। शिव स्तुति करते करते शिवलिंग पर पवित्र गंगा जल चढ़ाया। भगवान शिव ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और मन इच्छित वर मांगने को कहा। भगवान परशुराम ने हाथ जोड़कर शिव जी का अभिवादन किया और अपनी माँ और भाइयों का जीवन वापस मांगा। भोलेनाथ ने तथास्तु कहकर उन्हें जीवन दान दे दिया और ये भी कहा कि हे परशुराम, जिस पवित्र स्थान पर आपने मेरा शिवलिंग स्थापित किया है, आज से यह स्थान पूरा महादेव के नाम से जाना जाएगा।
तभी से भक्तों इस घनघोर कलयुग में भी शिव भक्त कांवड़िए हरिद्वार गोमुख गंगोत्री से अपनी अपनी कांवड़ में गंगा जल भर के लाते हैं और पूरा महादेव में शिव भोलेनाथ को गंगा जल से स्नान कराकर मन इच्छित वरदान प्राप्त करते हैं। तो बोलिए पूरा महादेव की। परशुराम ने शिव से वरदान लिया, साचे मन से भोले शिव का ध्यान किया। कावड़ जल से तो शिव को नहलाए प्रभु, साची भक्ति से शिव को मनाए प्रभु। शिवलिंग था बना जहाँ भक्तों महान, पूरा महादेव कहलाता है वो स्थान। हाँ कावड़ गाथा सुनो है बड़ी ही महान, भोले शंकर के चरणों का धर के तुम ध्यान। भोले शंकर के चरणों का धर के तुम जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। भक्तों, पापी रावण को मारने हेतु जब प्रभु श्री राम सेना सहित सागर तट पर पहुंचे तो युद्ध प्रारंभ करने से पहले अपने परम आराध्य भोले शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु उन्होंने सागर तट पर एक शिवलिंग की स्थापना की तथा अपने दूतों को आदेश दिया कि वो अपने कांधों पर पवित्र पावन कांवड़ लेकर जाएं तथा उनमें सात नदियों का पवित्र पावन जल भरकर लाएं। प्रभु श्री राम जी के दूत कांवड़ भरकर सात नदियों का जल लेकर आए। प्रभु श्री राम ने शिव स्तुति की और स्तुति करते हुए शिवलिंग पर कांवड़ से सात नदियों का पवित्र जल चढ़ाया। भोले शंकर प्रसन्न होकर वहां पर प्रकट हुए, श्री राम जी को दर्शन दिया और विजयी होने का आशीर्वाद भी दिया। तब से उस स्थान को रामेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है भक्तों, और यहां पर स्थित शिवलिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो बोलिए रामेश्वर धाम की। सागर तट पे श्री राम जब आए थे, अपने आराध्य भोले को वो ध्याए थे। अपने हाथों से शिवलिंग बनाए प्रभु, सात नदियों के जल को मंगाए प्रभु। कांवड़ में भरा सात नदियों का जल, शिव को नहलाया करते हुए गुण गां। हाँ कांवड़ गाथा सुनो है बड़ी ही महान, भोले शंकर के चरणों का धर के तुम ध्यान। भोले शंकर के चरणों का धर के तुम ध्यान, कृपा शंकर के चरणों का धर के तुम ध्यान। कृपा शंकर के चरणों का धर के तुम ध्यान, जटा शंकर के चरणों का धर के तुम ध्यान। जटा शंकर के गंगा धारी के चरणों का धर के तुम ध्यान। गंगा धारी के चरणों का धर के तुम ध्यान, जटा धारी के चरणों का धर के तुम ध्यान। जटा धारी के चरणों का धर के तुम ध्यान, डमरू धारी के चरणों का धर के तुम ध्यान। डमरू